रायबरेली 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आज संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका वारा एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर रायबरेली पहुंची। यहां पर भूएमू गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी पूर्वांचल के 40 जिलों के पदाधिकारियों के साथ अमेठी में राहुल की हार के कारणों की समीक्षा की, तो वहीं सोनिया गांधी ने रायबरेली में कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। शाम 6 बजे रायबरेली के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन के बाद उनके साथ डिनर किया। आपको बता दें कि संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी बेटी व पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका वारा के साथ बुधवार को अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंची। वहां से वे रायबरेली के भूएमू गेस्ट हाउस के लिए 4 पहिया वाहन से रवाना होकर रायबरेली पहुंची। उनके स्वागत को लेकर भूएमू गेस्ट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मजमा लगा रहा। यहां सोनिया गांधी और प्रियंका वारा का नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। भूएमू गेस्ट हाउस पहुंचने के उपरांत राष्ट्रीय नेता संघ प्रदेश के जिम्मेदारों की बैठकों का दौर चला। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सांसद सोनिया गांधी का यह पहला दौरा है। वे 39 दिन बाद रायबरेली आई हैं। आने के बाद वे रायबरेली में कांग्रेसियों से मिली। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव अमेठी में राहुल की हार के कारणों पर चर्चा की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। अशोक सिंह जी, इंद्रेश सिंह जी, साहब सरन पासी जी, किशोरी जी, पीएस अग्निहोत्री जी, सभी उपस्थित कांग्रेस जन भाइयों बहनों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं का शुक्र, बस अब वहाँ जाना, आप लोग भी आइए, कुछ सभी के लिए कुछ खाना भी है और बस जय हिंद। बंगाल मैडम जी, जो परिवार के मुखिया के रूप में जो आपने आशीर्वाद स्नेह दिया, हम कल भी थे आपके साथ और हम आज भी हैं आपके साथ और कल भी आपके साथ रहेंगे। ये जो जनसमुदाय है, रायबरेली का जो जनमानस है, इसकी जो प्रतिबद्धता है, निष्ठा है, समर्पण है, वो परिवार के साथ सदैव रहेगा। मैं अपने साथियों से, सेवा दल के साथियों से कहूंगा, ब्लॉक के सभी अध्यक्ष जी, हमारे जो प्रभारी और समन्वयक जी हैं, वो अपने अपने ब्लॉक के टेबलों में रहेंगे और सबको अपने ब्लॉक के लोगों के साथ आप सबका भोजन कराएंगे। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री और हम सबके नेता माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, इनका हम जिला शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और मैं आप शहर कांग्रेस कमेटी का दिल से अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इस चुनाव में रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को जिताया है। मैं आज यहाँ भाषण देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ आकर मैं समीक्षा करके आपको अपनी अपनी जो भावना है वो व्यक्त करूँ। लेकिन आपने यहाँ खड़ा कर दिया, सच्चाई कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुनाव सोनिया गांधी ने और जनता ने जिताया है। सच्चाई ये है कि आप सब में से जिसने दिल से काम किया है उसकी जानकारी आपको है, और जिसने नहीं किया है उसकी जानकारी मैं करूंगी। मैंने हमेशा कहा है कि चुनाव संगठन लड़ाता है, लेकिन मैं आज आपके सामने खड़े होकर कह रही हूँ कि आपने मैं आपको रायबरेली के आपके कांग्रेसकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत आदरणीय सांसद जी धन्यवाद देता हूँ, और आप सब यहाँ आए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।